शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी पर तरीके इंसाफ कोई एतराज़ जमा नहीं करवाएगी। सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से यह कहा गया है, नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, सरदार लतीफ़ खोसा ये कहते हैं। तो तहरीके इंसाफ ने नवाज शरीफ के किसी भी हलके से कागजात नामजदगी चैलेंज ना करने का फैसला किया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, अशफाक क्या डिटेल्स हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के लाहौर के हलका NA 130 समेत किसी भी हलके से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को चैलेंज ना करने का फैसला किया है और ये कहा है कि नवाज शरीफ समेत जितनी भी सियासी जमातें हैं वो खुलकर इलेक्शन लड़े और इस हवाले से तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर भी किसी किस्म का एतराज नहीं उठाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ के आज कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं।